नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा जो हम लोग नेमबा सुंडा का जो सीरीज चला रहे थे उसी में आगे यूनिट टू जो हमारा प्लांट पैथोलॉजी का है उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज हमने जहां पर छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भैया क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो अपने देखने वाले थे चैनल के तो इतने दिन से चूंकि कोई वीडियोज़ आ नहीं पा रही थी, कि आप लोग को पता होगा कि हमारा जो मतलब अभी जॉब स्टार्ट हुआ है तो उसमें जो है काफ़ी टाइम देना पड़ रहा था, इस वजह से हम टाइम निकाल नहीं पा रहे थे। अभी जो है आपका रेगुलर वीडियो आना है, आप श्योर हो जाइए इस चीज़ के लिए। तो कम से कम इसको शेयर करिए जिससे जो लोग पहले से देख रहे थे वो वापस जो है अपने चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, जो आप लोग जो ग्रुप से जुड़े हैं वो तो ठीक है, जो नहीं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो भी व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा तो आप लोग उसको मतलब उस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो सेकेंड यूनिट है प्लांट पैथोलॉजी का, हमारा फंजाई। ठीक है, फंजाई से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंजाइज आर फिलामेंटस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फंजाई क्या होते हैं, देखो, फिलामेंटस मतलब तंतुनुमा, धागेनुमा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब भैया क्या है, बहुकोशिकीय हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और फिलामेंटस लाइक ऑर्गेनिज्म है, फंजाई कहलाते हैं। Having organized nucleus with nuclear membrane. भैया देखो, nuclear membrane फंजाई में क्या होता है, पाई जाती है। ठीक है, यानी जो nucleus होता है इसके ऊपर जो membrane, जैसे ये मान लो क्रोमेटिन धागे हैं, इसके ऊपर ये membrane होगी तभी ये complete nucleus होगा। ठीक है, तो ऐसे nuclear membrane भी इसमें पाई जाती है, यानी nuclear membrane पाई जाती है, यानी complete nucleus इसमें पाया जाता है। Always lacking of chlorophyll. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है। बट प्रेजेंस ऑफ सेलवाल इन ट्रू फंजाई एंड मल्टीप्लीकेशन बाई प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। कहने का मतलब दोनों प्रकार से इसमें क्या हो सकता है भैया, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के क्या हो सकता है भैया, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है सेल का, यानी सेल डिविजन हमारा कैसा है, सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है। ठीक है, द फंगल ब्रांचेज आर नोन एज हाइपी। जो फंगल ब्रांचेस होती है उन्हें क्या कहा जाता है, हाइपी कहा जाता है। एंड द एंटायर वेजिटेटिव बॉडी इज नोन एज माइसेलियम। देखो भैया, जो हमारा फंगस होता है इसमें जो फंगल ब्रांचेस हैं इनको हम हाइपी बोलते हैं, और बाकी जितना भी वेजिटेटिव बॉडी है वो हमारा क्या कहलाता है, माइसेलियम। अब वेजिटेटिव बॉडी का मतलब क्या है, देखो, एक तो होता है हमारा सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उसके अलावा शेष जितना भी शरीर के अंग होंगे वो सारे हमारे क्या है, वेजिटेटिव बॉडी कहलाते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम उन्हें हम लोग फंजाई में कहते हैं, यानी जो फंजाई होती है उसमें दो ऑर्गन्स पाए गए, कौन कौन सा, माइसीलियम और दूसरा कौन सा, हाइपी। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग बात करें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की हम लोग बात करते हैं। इन द ट्रू फंजाई ट्रू सेलवाल इज प्रेजेंट। भैया देखो, जो सत्य फंजाई होते हैं, ट्रू फंजाई होते हैं, उनमें क्या होगा, ट्रू सेलवाल पाई जाएगी। प्रेजेंट वेदर द थैलस इज यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर ब्रांचिंग बॉडी। ठीक है, थैलस उनका जो होगा या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, दोनों प्रकार का हो सकता है। द ब्रांचेज आर नोन एज हाइपी बता चुके हैं, और माइसीलियम वेजिटेटिव बॉडी को बोलते हैं रिपीट हो गया है। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई कैसे होता है, आपको बताया था, सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं एसेक्सुअल की। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द हाइपी कट ऑफ माइन्यूट स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स में जो हाइपी हमारी है, जो हाइफी हमारी है वो क्या करती है, छोटे छोटे माइन्यूट मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म स्पोर्स में टूट जाती है, कट जाती है। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ दोज स्पोर्स वेरी ग्रेटली एंड ईच टाइप्स हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम्स। ठीक है, देखो भैया, जो हमारे स्ट्रक्चर बन के आते हैं, ओरिजिन ऑफ दीज स्पोर्स वेरी ग्रेटली एंड ईच टाइप्स इज गिवन डिफरेंट नेम्स, अलग अलग को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे एक को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लाइमिडोस्पोर, दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या, कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया भी बोला जाता है। इन आ मस्टिगोमाइसिना और बहुत सारे स्पोरंजिया आर फॉर्म्ड इन इक्वेटिक फॉर्म्स। ठीक है, स्पोरंजिया कहाँ बनता है भैया, जो इक्वेटिक फॉर्म्स हमारे होते हैं, यानी समुन्द्र में हमारा क्या बनेगा, जलीय जंतुओं में जो हमारा फंजाई होता है वहाँ क्या बनता है, स्पोरंजिया होता है। ठीक है, स्पोरंजिया लिबरेट नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज एंड द जूस्पोर्स। ठीक है, जो स्पोरंजिया होता है एक्वेटिक फॉर्म्स में पाया जाता है उसमें होता क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म है हमारा कैसा पाया जाएगा, नेक्ड, यानी उसके ऊपर कोई भी आवरण चढ़ा हुआ नहीं होगा। ठीक है, जूस्पोर पाए जाते हैं। इन द एस्कोमाइकोटिना ड्यूटेरियोमाइकोटिना द कुनिडिया में बी प्रोड्यूस इन स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज, क्या पाया जाता है भैया, पिकनीडिया, या पाया जाता है क्या, स्प्रोडिकिया, या भैया क्या, सर्वेली। ठीक है, एक्रेवेली। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या पाए जाते हैं इसमें, एक्टिनोमाइसिट
एक्टिनोमाइकोटिना और ड्यूट्रियोमाइकोटिना में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इन्वॉल्व टू सेपरेट गैमेट्स। अब इसमें क्या होगा, दो अलग अलग गैमेट्स होंगे। ठीक है, दो अलग अलग गैमेट आपस में मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग बात करते हैं तो यही हमेशा होता है, चाहे ह्यूमन की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे फंजाई की बात करें, क्या होगा, दो अलग अलग गैमेट्स आकर आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे आके। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय यूनियन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट इज नोन एज ओगैमेट। अब देखो भैया, दो गैमेट थे, एक भैया ऐसा दिख रहा है आपको रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, तो भैया मॉर्फोलॉजिकली ये कैसे दोनों डिसिमिलर है, यानी एक जैसे नहीं है। ठीक है, अब इनके बीच में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओगैमी, समझ लो, क्या बोलते हैं, ओगैमी। ओगैमी किसे बोलेंगे, जब भैया दो हमारे क्या है, गैमेट्स हैं, दोनों मतलब मॉर्फोलॉजिकली कैसे हैं, अलग अलग हैं। एक भैया आपको हरा दिख रहा तो एक लाल दिख रहा, यानी देखने में अलग अलग हैं, और उनके बीच में जब कभी होगा भैया क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसे बोला जाएगा ओगैमी। ठीक है, इसमें होता क्या है, लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर ओस्पोर, इससे हमारा क्या बनेगा, ओस्पोर बनेगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फ्रूट क्लियोथेशियम या पेरिथीशियम या एपोथीशियम बनेगा, इसी से हमारा ओस्पोर कैसे बनता है, ओगैमी से बनता है। ओगैमी क्या होता है, जब ओगैमी मतलब देखो, एक ये गैमेट, एक ये गैमेट, दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक प्लस है तो एक माइनस है, और दोनों आपस में मिले, इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलेंगे क्या, ओगैमी। इससे हमारा बनेगा जो स्पोर, उसे बोलेंगे ओस्पोर। इसी में जो हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रूट टाइप बनेंगे, हमारे सिंपल स्ट्रक्चर को ओस्पोर बोल देंगे, और कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो उसे बोलेंगे क्या, क्लाइटोथेसियम बोलेंगे, पेरिथेसियम बोलेंगे, एपोथेसियम बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन मोस्ट ऑफ हायर फॉर्म ऑफ फंजाई द सेक्सुअल प्रोसेस इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ टू सिमिलर गैमेटेंजिया। अगर देखो दो सिमिलर गैमेट मिले तब क्या होगा, दिस इज नोन एज आइसोगैमी। क्या बोलेंगे, आइसोगैमी, और इनसे जो बनेगा उसे बोलेंगे क्या, जाइगोस्पोर और जाइगोट बनेगा। बात समझ में आई, देखो एक तो ओस्पोर एक जाइगोस्पोर, आपको दो समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से, ओस्पोर और जाइगोस्पोर। ओस्पोर कैसे बनते हैं, जब दो डिसिमिलर यानी अलग अलग गैमेट आपस में मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो स्पोर बनेगा वो कैसा बनेगा, ओस्पोर बनेगा। और अगर उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात किया जाए तो क्या बनेगा, क्लाइटोथेसियम, पेरिथेसियम या एपोथेसियम। वहीं अगर हम लोग बात करें सिमिलर, सिमिलर मतलब आइसो, जहां पर शब्द यूज हो जाए मतलब सेम सेम की बात कर रहा है, सिमिलर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आइसोगैमी, आइसोगैमी में क्या होगा, एक जैसे दो गैमेट आपस से आकस में क्या करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, उससे जो हमारा बनेगा कौन सा बनेगा, जाइगोस्पोर या जाइगोट बनेगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें कॉमन ग्रुप की बात कर ले अगर, तो भैया हमारा जो है प्लांट डिजीज जो बहुत ज्यादा रोग फैलाने वाले हैं उसमें अगर बात किया जाए तो पहला हम लोग बात कर ले किसकी, अस्टिलैग्नेलिस, अस्टिलैगो न्यूटा ट्रिट्साई, आप लोग नाम सुने हैं, क्या होता है हमारा, स्मट होता है। ठीक है, तो स्मट फंजाई जो हमारे होते हैं वो ज्यादातर किस ग्रुप में रखे जाते हैं, अस्टिलैग्नेलिस ग्रुप में रखे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कॉजल ऑर्गेनिज्म ज्यादातर इसी से आप रिलेट कर सकते हैं, ज्यादातर अस्टिलैगो वाले जितने भी कॉजल ऑर्गेनिज्म होंगे किसके लिए होंगे, स्मट के लिए होंगे। वहीं यूरिडेनेलस, अब यूरिडेनेलस जो है हमारे रस्ट के लिए होते हैं। अब इनमें जो हमारा एक जीनस पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, पक्सिनिया, आपको बताए थे ब्लैक रस्ट, व्हाइट रस्ट, ब्राउन रस्ट, सब बताए थे ना, क्या था, पक्सिनिया ग्रैमिनेटिडेसाई था, पीजीटी बताए थे ना, ब्लैक के लिए पक्सिनिया ग्रैमिनेटिडेसाई था, येलो के लिए पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस था, क्योंकि वो स्ट्रिप धारियां पीली हो जा रही थी ना, स्ट्रिप्स पीली हो जा रही थी। वहीं ब्राउन के लिए हमारा कौन सा था, ब्राउन के लिए आपको बताया था भैया क्या, पक्सिनिया रिकॉन्डाटा था। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे भैया, ये हमारे कुछ, अब यहाँ पर दूसरे तीसरे टाइप की अगर हम लोग बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू में आपको बताए थे जहां पर होगा वहां पर क्या होगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म इरिसिपी होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था मटर में जब पाउडरी मिल्ड्यू लगता है तो क्या होता है, इरिसिपी पॉलीगोनी। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रुप है इसे क्या बोलेंगे, इरिसिफेसी। ठीक है, इरिसिपी से इरिसिफेसी हो गया। ऐसे ही हमारा जो डाउनी मिल्ड्यू है ये हमारा पैरनोस्पोरा या पैरनोस्पोरा से होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं क्या, पैरनोस्पोरेसी। ठीक है, ये हमारे कुछ ग्रुप हो गए, मतलब कहने का मतलब कहीं पर भी डाउनी मिल्ड्यू आ जाए, ठीक है, तो पैरनोस्पोरा या स्क्लेरोस्पोरा इस टाइप के आपको मिलेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म, आप इसे आसानी से टिक मार सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन ज्यादा वेरिएट करेंगे तो आप आसानी से टिक मार लेंगे, वैसे आपको तो याद सारे करने ही करने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सारे आपको याद करने हैं। ठीक है,
लेकिन मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है, तो कहीं भी स्मट पूछा गया है उसमें कहीं भी अस्टिलैगो एक एग्जांपल में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसी को टिक कर लेंगे। ठीक है, अस्टिलैगो अगर दिया हुआ है, ऐसे अगर रस्ट दिया हुआ है तो उसमें कहीं पर भी पक्सीनिया दिया है या यूरिडेनेलिस दिया है तो आप उसी को टिक कर लेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू में इरिसिफी दिया है तो आप टिक कर लेंगे। ऐसे डाउनी मिल्ड्यू में हमारा क्या पैरानोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, इस टाइप का कुछ अगर दिया होगा तो आप क्लिक कर लेंगे उसी को। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स होती है। हालांकि आपको ज्यादातर कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसके लिए जब फाइनली पैथोलॉजी की नेक्स्ट क्लास हम लाएंगे डिटेल वाली, तो एक एक को हम बताएंगे और एक एक के स्पोर्स और पूरा आराम से डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, अभी हम लोग नेमरा संडा को खत्म कर लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है फरमाइश आ रहा था कि इसको कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है पेपर्स में आपको पता है ज्यादातर पेपर्स में नेमरा संडा से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वालिफाई करने भर का आपका नेमरा संडा सही काम हो जाता है। हाँ, आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए अरुण कात्यायन है, बाकी किताबों के लिए मूव करना पड़ेगा। ठीक है, फंजीसाइड की बात कर लें, आर केमिकली यूज टू किल फंजाई, बता चुके हैं भैया लैटिन भाषा का शब्द है फंजीसाइड, और केमिकल जो है केमिकली किल करने के लिए फंजाई को यूज किया जाता है। अब बात कर लें सल्फर फंजीसाइड की, आपको बताया था सल्फर फंजीसाइड किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। जब पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगेगा, पाउडर वाला मिल्ड्यू जब रहेगा भैया, तो हम लोग क्या करेंगे सल्फर फंजीसाइड का यूज करेंगे। टू मेन ग्रुप इसमें है, सल्फर फंजीसाइड को दो ग्रुप में हमने बांटा, एक तो एलिमेंटल सल्फर होगा, दूसरा लाइम सल्फर होगा। यानी एलिमेंटल सल्फर होगा या तो भैया चूना वाला सल्फर होगा। एलिमेंटल सल्फर जो होता है इसमें क्या डस्ट और वेटेबल पाउडर होगा, घुलनशील या तो पाउडर होगा या तो डस्ट होगी, इसका हम लोग क्या करेंगे बुरकाव कर देंगे, या वेटेबल पाउडर होगा। इसके अलावा दूसरा हमारा लाइम सल्फर जो होता है, हमारा क्या है डॉर्मेंट स्प्रे, इसमें हम लोग स्प्रे करते हैं। लाइम सल्फर का हम क्या करते हैं स्प्रे करते हैं। ठीक है, दो प्रकार का है सल्फर फंजीसाइड, कैसा, एलिमेंटल सल्फर और लाइम सल्फर। एलिमेंटल सल्फर में डस्ट और वेटेबल पाउडर, लाइम सल्फर में हमारा क्या डॉर्मेंट स्प्रे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें सल्फर फंजीसाइड आर इफेक्टिव अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू, आपको बता चुके हैं इरिसिफी से होता है पाउडरी मिल्ड्यू। सबके कॉजल ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू में इरिसिफी हमेशा जो जीनस रहेगा उसका स्पेसिस चेंज होती रहेगी। ठीक है, कॉपर कंपाउंड फंजीसाइड की अगर हम लोग बात कर लें, अब कॉपर कंपाउंड में भी कई प्रकार हैं। पहला हम लोग बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट को पहली बार खोजा किसने था, प्रीवोस्ट ने खोजा था 1807 में, और ये भैया किस पे अटैक करता था, बंट ऑफ वीट। जब आपको हिस्ट्री अभी पढ़ा रहे थे तो हमने क्या बताया था, हिस्ट्री में बताया था कि प्रीवोस्ट ने 1807 में क्या किया था, जो बंट डिजीज ऑफ वीट है उसकी इन्होंने लाइफ साइकिल खोजी थी। अब लाइफ साइकिल इन्होंने खोजी है तो दवाई कौन खोजेगा, यही खोजेंगे। तो इन्होंने भैया क्या किया, दवाई खोज दी, क्या कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का यूज करके इन्होंने क्या किया, बंट ऑफ वीट को ठीक करने का प्रयास किया। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात कर ले बॉर्डेक्स मिक्सचर, इस पे हम चर्चा कल कर चुके हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो खोजा किसने था बॉर्डेक्स मिक्सचर को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, ज्यादातर पेपर्स में आता रहता है। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर को सबसे पहले खोजा था PMA मिलार्डेट ने, किसने, PMA मिलार्डेट ने। ये क्या थे, बॉटनी के एक प्रोफेसर थे। ठीक है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के एक प्रोफेसर थे, बॉर्डेक्स इन फ्रांस। अब खोजा कहां था भैया, फ्रांस में। क्यों फ्रांस में खोजा था, देखो अंगूर की खेती फ्रांस में बहुत ज्यादा होती है, फ्रांस में अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर वाइन फॉर्मेशन होता है। वाइन जो मतलब अल्कोहलिक बेवरेज है जो पीने के लिए होता है, उसको जो है फ्रांस में बहुत बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है, इसलिए अंगूर की खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर, वहाँ कमर्शियल प्रोडक्शन होता है अंगूर का। ठीक है, वहां पर क्लाइमेट भी ऐसा कि अंगूर अच्छे से पैदा हो सके। अब वहां अंगूर में भैया क्या हुआ, एक रोग लग रहा था। कौन सा रोग लग रहा था, वहां पर जो रोग लग रहा था उसे हम लोग बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स आपको बताए थे जो है इसका बहुत ज्यादा प्रकोप था कहाँ पर, फ्रांस में। ठीक है, अब डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ भैया, बॉर्डेक्स मिक्सचर बनाया कब, 1885 में। किसने बनाया, PMA मिलार्डेट ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया भैया, हमारे पास पहले से व्यवस्था थी किस किस चीज की, देखो इन्होंने कॉपर सल्फेट 1807 में खोजा जा चुका था, ये बात की बात है 1885 की बात है, यानी कॉपर सल्फेट का हम लोग CuSO4 का हम लोग यूज कर ही रहे थे। इसके अलावा हम लोग सल्फर, लाइम सल्फर का यूज कर रहे थे, यानी चूना का भी यूज कर रहे थे, यानी लाइम का भी यूज कर रहे थे। इसके साथ में इन्होंने पानी को मिला दिया, इन तीनों को मिलाकर एक दवा बना दी, इसी का नाम इन्होंने दे दिया क्या, बॉर्डेक्स मिक्सचर। क्या किया इन्होंने, कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर को मिला दिया। कॉपर सल्फेट इन्होंने रेशियो क्या रखा, 5:5:50 का रेशियो इन्होंने रखा। क्या रेशियो रखा, 5:5:50 का। ठीक है, 5
पांच इन्होंने लिया कॉपर सल्फेट, पांच लिया लाइम और 50 गैलन इन्होंने क्या लिया पानी लिया। ठीक है, तो इतना जो है इन्होंने बनाया और इसका जो है छिड़काव किया। तो ये भैया किसके लिए यूज किया, डाउनी मिल्डीवाफ ग्रेप्स के लिए इन्होंने इसको बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ। ठीक है, बॉर्डेक्स मिक्सचर काफी इंपॉर्टेंट दवा है। ठीक है, किसके लिए, डाउनी मिल्डीवाफ ग्रेप्स के लिए। इसके बाद भैया दूसरा एक और मिक्सचर आ गया भैया, दो साल बाद ही 1887 में एक और ऐसा मिक्सचर तैयार किया गया। वो मिक्सचर तैयार भैया कहाँ हुआ, बर्गेंडी मिक्सचर उसका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, बर्गेंडी मिक्सचर। वो 1885 में बना था, ये दो साल बाद 87 में बना। इस मिक्सचर में क्या हुआ भैया, चूना नहीं रखे, मतलब CuSO4 क्या हम लोग मिला रहे थे, CuSO4 प्लस लाइम प्लस वाटर मिला रहे थे। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, चूना को हटा दिया, चूने को रिप्लेस कर दिया। किससे, चूने की जगह पर ये ले आए भैया क्या, हमारा सोडियम। ठीक है, सोडियम सल्फेट लाए थे, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम ले आया भैया, सोडियम का यूज इन्होंने कर दिया कॉपर सल्फेट के साथ में, तो वाटर मिला दिया और अनुपात इस बार रखा 5:6:50 का, यानी 5 और 50 तो रखा था, तो सोडियम वाला इन्होंने फार्मूला यूज किया, वो कहाँ पर ले आए, उसका 6:6 रखा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लें, इसके बाद भैया जो हमारा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग काफी ज्यादा हो गई है, ड्रेसिंग फंजीसाइड एप्पल एंड पियर ब्लैक स्टेम ब्राउन स्टेम कंपोजिशन इन्होंने रखा था, एक और कंपोजिशन बना था ये कॉपर कार्बोनेट रेड लेड और रॉ पता नहीं किस चीज का है यार, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया। चलो आगे हम लोग मूव कर जाते हैं, यहाँ का मिस प्रिंट है, आप लोग अपनी बुक में जो होगी वहां देख लेना, क्योंकि ये PDF जो है डाउनलोडेड है ना, काफी सारी जगह मिस प्रिंटिंग हमको मिल जा रही है इसमें, तो देख लेना इसको। यहाँ पर जो है थोड़ा सा दबाएं आप लोग, थीरम का हम लोग यूज करते हैं, जीरम का यूज करते हैं, थाया कार्बामेट का यूज करते हैं, सारे हमारे फंजीसाइड के रूप में यूज होते हैं, सब लोग आप लोग ये सारी चीजें जानते हैं। वैपम या मेथम सोडियम का हम लोग यूज करते हैं, सॉयल फ्यूमिंग फंजीसाइड है ये, हम लोग क्या करते हैं इसको फसल में नहीं यूज करते हैं, कहाँ पर, सॉयल में ही यूज कर देते हैं वैपम वगैरह को, इससे जो है आगे चल के हमारा जो है क्या ज्यादातर कीट ना लगे, मतलब रोग ना लगे, फंजीसाइड के रूप में वैपम का यूज कर देते हैं। यूज ऑफ सॉयल स्टेरिलेंट ऑफ फॉर फंजीसाइड नेमेटोड एंड हर्बिसाइड, सॉयल स्टेरिलेंट का यूज कर देते हैं बहुत सारे, इससे हमारा क्या होता है काफी सारे जो फंजीसाइड भी नहीं लगते हैं, नेमेटोड भी नहीं लगते हैं, हर्बिसाइड भी नहीं लगते, तो ऐसे बहुत सारी चीजों का यूज हम लोग कर लेते हैं, यानी हम लोग इसे बोलेंगे क्या, सॉयल ट्रीटमेंट करना। ठीक है, इसके अलावा सिस्टमिक फंजीसाइड की अगर हम लोग बात करें, सिस्टमिक फंजीसाइड में हमारा जो ऑक्सेंथिन है, ठीक है, ऑक्सेंथिन क्या होता है हमारा, तो फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड जो हमारा था वो क्या था, कार्बोक्सिन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया, ये भी पूछा गया कौन सा था, ये भी पूछा गया किसने खोजा था, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लेना इसको जरूर। कार्बोक्सिन हमारा क्या है, पहला जो है क्या है, कार्बोक्सिन हमारा क्या है, पहला सिस्टमिक फंजीसाइड है। किसने खोजा था, वान स्लेमिंग और कुलका ने 1966 में खोजा था, हम लोग इसको पहले भी जब हम लोग अभी ब्रीफ पढ़ रहे थे तो उसको देखा था, यहाँ पर लिखा हुआ था वान स्लेमिंग और कुलका ने 1966 में क्या खोजा था, पहला भैया हमारा जो सिस्टमिक फंजीसाइड कौन सा, कार्बोक्सिन। ठीक है, इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिन DMO की बात कर लें, जो हमारा किस नाम से बिकता है, बीटावैक्स के नाम से बिकता है। ठीक है, बीटावैक्स के नाम से, ये स्मट और रस्ट के लिए हम लोग खूब यूज करते हैं, जो हमारा क्या बीटावैक्स है। ठीक, स्पेशली इज यूज अगेंस्ट लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, क्या होता है लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलेगो न्यूडा ट्रेटसाई होता है ना लूज स्मट ऑफ व्हीट, इंटरनली सीड बॉर्न था, आपको बताया था कैसा था, इंटरनली सीड बॉर्न था। ठीक है, कार्बोक्सिन या बीटावैक्स का हम लोग इसके लिए यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारा राइजोशियोनिया है डिजीज कॉटन में, इसके लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं हमारा क्या, कार्बोक्सिन या बीटावैक्स। इसके अलावा ऑक्सीकॉर्बिन, ऑक्सीकार्बोक्सिन ये हमारा भैया प्लांट वैक्स हम लोग बोलते हैं। देखो, कार्बोक्सिन जो हमारा है उसे बोलते हैं बीटावैक्स, अगर ऑक्सी जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो उसे हम लोग किस व्यापारिक नाम से जानते हैं, ट्रेड नेम से जानते हैं, दुकान पे किस नाम से मिलेगा आपको, प्लांट वैक्स के नाम से। ठीक है, ये हमारा रस्ट जो गेहूं में रस्ट लगता है, काला भूरा पीला, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या हमारा, प्लांट वैक्स। ठीक है, ये भी फंजाई से होता है, इसलिए फंजाई को मारने के लिए है। इसके अलावा हम लोग बेंजीमेटाजोल जो है काफी सारे यूज करते हैं, यानी बेंजीन के जो हमारी दवाइयां हैं, इट कम्स अंडर द नेम ऑफ बिनोमिल, बिनोमिल या बाविस्टीन, आप लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे, ट्रेड नेम बाविस्टीन। बाविस्टीन हमारा किस प्रकार का है, बेंजीमेटाजोल का है। ठीक है, बेंजीमेटाजोल टाइप का है बाविस्टीन हमारा, ये हमारा सुपीरियर सिस्टमिक फंजीसाइड है हमारा भैया क्या है, बहुत ज्यादा सुपीरियर सिस्टमिक फंजीसाइड है, व्हिच एक्ट एज
गुड इरेडिकेट एंड प्रोटेक्टेड, बचाने का भी काम करता है और पहले से जो रोग लगे होते हैं उनको दूर करने का भी काम करता है। बाविस्टीन बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, याद रखना भैया बाविस्टीन क्या है, एक प्रकार का फंजीसाइड है, वो भी किस प्रकार का, सुपीरियर सिस्टमिक फंजीसाइड है, यानी बहुत अच्छा सिस्टमिक फंजीसाइड है, ठीक है। इसके अलावा फेनिलमिडाज़ की बात कर ले अगर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या मेटालैक्सिल या मेटासिस्टॉक्स, हम लोग कई मेटालैक्सिल सॉरी मेटासिस्टॉक्स, हम लोग इंसेक्टिसाइड में चलेंगे, मेटालैक्सिल एम के नाम से मिलता है, ये भी हमारा सुपीरियर फंजीसाइड है, 1977 में यह बनाया गया था। ओमाइसेटिस फंजस जो होंगे हमारे उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये क्या करता है, आरआरएनए की सिंथेसिस को रोक देता है। काम करने का तरीका देखो तो क्या है, मेटालैक्सिल एम क्या करता है देखो, यहां पर थोड़ी सी जेनेटिक्स आपको यूज करवाएंगे। आरआरएनए का काम क्या होता है देखो, आप लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीन क्रियाएं आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें पहली क्लासेस देखी है जेनेटिक्स वाली उसको समझ में आएगा, नहीं देखी तो फिर भी जीरो से समझा देते हैं। देखो होता क्या, एक्चुअल में जो हमारा डीएनए होता है ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, ठीक है, डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है किसको, किसके थ्रू करता है, एमआरएनए के थ्रू, मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जाता है, जाता किसके पास है, आरआरएनए के पास, ठीक है। और ये आरआरएनए क्या करता है, रिप्लिकेशन आरएनए होता है, तो ये करता है हमारा क्या, प्रोटीन का निर्माण, क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण, और जितने भी हमारे शरीर के अंदर संरचनाएं या प्लांट के अंदर जितनी भी संरचनाएं हैं सब किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है, यानी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अगर तत्व पूछा जाए कौन सा है तो प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए करता है प्रोटीन का निर्माण, और ये क्या करता है भैया, आरआरएनए को बनने से रोक देगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस ही फंजाई की रुक जाएगी तो सेल उसकी क्या हो जाएगी, डेथ कर जाएगी, काम करना बंद कर देगी फंजाई की। तो भैया ये हमारा ओमाइसेटिस फंजाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, मेटालैक्सिल एम। ये यहाँ पर एक चीज और देख लेना, जब डीएनए एमआरएनए को जानकारी देता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। वहीं अगर एमआरएनए डीएनए को बनाने के लिए प्रक्रिया का यूज करे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वहीं जब आरआरएनए से प्रोटीन बनती है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, ट्रांसलेशन। ये पूरी जो हमारी पूरी टेक्निक जो हमने बताई इसे हम लोग एक शब्द में बोलते हैं क्या, सेंट्रल डोगमा, ठीक है। थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठेंगे तभी प्रॉफिट मिलेगा। सेंट्रल डोगमा किसे बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया को एक साथ कंबाइंड करके बोलते हैं सेंट्रल डोगमा, जिसे खोजा किसने था, क्रिक ने खोजा था। वाटसन एंड क्रिक नाम सुने ना, जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, उन्होंने ही खोजा था क्या, हमारा सेंट्रल डोगमा टेक्निक, क्रिक ने खोजा था, ठीक है, याद रखना। तो आरएनए को इनहिबिट कर देगा, इससे हमारी फंजाई की जो सेल है वो काम करना बंद कर देगी। तो मेटालैक्सिल एम इस प्रकार का ये क्या है, फेनिलामिड्स फेनिल एमिड्स फंजीसाइड है, ठीक है। इसके अलावा आर्गेनो मर्क्यूरल फंजीसाइड की हम लोग बात कर लें तो इट इज इफेक्टिव फंजीसाइड एंड बैक्टीरियल साइड। आर्गेनो मर्क्यूरल जो होते हैं हमारे फंगस को भी मारते हैं, बैक्टीरिया को भी मारते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स हाई टॉक्सिसिटी इट इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल प्लांट डिजीज। मुख्यतः इसमें बहुत ज्यादा जो है हमारा क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा जो है इसमें क्या टॉक्सिसिटी की मात्रा होती है, इस वजह से क्या करते हैं हम इसका यूज नहीं करते हैं, किस चीज में, प्लांट के रोगों को कंट्रोल करने में। इसमें आते कौन कौन से हैं, एग्रोसेंजियल एरेटॉन सेरेसान एग्लॉल, इन एग्लॉल वगैरह का यूज हम लोग किसमें कर लेते हैं, गन्ने के सीड ट्रीटमेंट में हम लोग कर लेते हैं एग्लॉल का यूज, हालांकि हम लोग डायरेक्ट क्रॉप में खड़ी क्रॉप में नहीं इसका यूज करते हैं, हम लोग सीड ट्रीटमेंट में इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनो मर्क्यूरल के बाद हम लोग बात करेंगे कुछ अदर फंजीसाइड की, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम आपके सामने आएंगे, जैसे कैप्टॉन कैरेथॉन। कैप्टॉन का हम लोग यूज करते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए और सॉयल ड्रेसिंग के लिए भी, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, 0.5% का यूज कर लेते हैं हम लोग, डैम्पिंग ऑफ जो हमारी नर्सरी में लगने वाला रोग है उसको ये क्या करता है, दूर कर देता है। डैम्पिंग ऑफ जानते हैं किससे होता है भैया, फंजाई से होता है। कौन सी फंजाई है भैया, वो पाइथेम अफानी डर्मेटम, क्या है, पाइथेम अफानी डर्मेटम, ये हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो फंजाई है, इसके द्वारा जो हमारा रोग हो जाता है सीडलिंग्स में नर्सरी में, डैम्पिंग ऑफ, तना बिगलन हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है।
इसके अलावा कैरेथेन हम लोग यूज करते हैं पाउडरी मिल्ल्यू के लिए, आपको बताया थे पाउडरी मिल्ल्यू के लिए सल्फर फंजीसाइड यूज होते हैं, ये हमारा कैरेथेन है। इसको हम लोग माइट को कंट्रोल करने के लिए, माइट जो हमारा एरेक्निडा फैमिली का है, यानी इंटमोलॉजी में हम लोग पहुंच गए अब, एरेक्निडा फैमिली का है वो हमारा भैया क्या इसी से कंट्रोल हो जाता है, किससे हमारा, हमारा जो है कैरेथेन से, ठीक है। कैरेथेन से हम लोग पाउडरी मिल्ल्यू भी कंट्रोल करते हैं और माइट्स को। पाउडरी मिल्ल्यू के लिए आपको बताए हैं मोस्टली क्या हम लोग यूज करेंगे, सल्फर फंजीसाइड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हजार बार हम खुद रिपीट कर दे रहे हैं। एंटीबायोटिक्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात कर लें स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एट 100 ppm और मोर हैज बीन फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल सीड बॉर्न पैथोजेंस। जितने भी हमारे बैक्टीरियल सीड बॉर्न पैथोजन है उनके लिए भी हमारा क्या है, हमारा एंटीबायोटिक जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये हमारा क्या होता है, यूज हो जाता है। कितना यूज करते हैं हम लोग, मात्रा क्या 100 ppm यूज करते हैं हम लोग। 100 ppm का मतलब समझ रहे हो, 1% में कितने ppm होते हैं, तो भैया 1% में होते हैं 10,000 ppm, ठीक है। यानी ये हमारा प्रतिशत में कितना होगा, 0.1% ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। 100 ppm का मतलब 0.1%, ये कई बार मतलब ये क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा 1% बराबर 10,000 ppm होता है, बात याद रखना। टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट स्ट्रेन इन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन इज मिक्स्ड विद ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, तो इसे हम लोग बोल देंगे टेरामाइसिन, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एग्रीमाइसिन। देखो भैया हम लोग क्या करेंगे, दो दवाइयों को मिलाकर एक नई दवा बनाते हैं। कौन सी दवा, एक तो भैया स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन को मिला दिए किससे, टेरामाइसिन से। अभी स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन को जब मिला दिए तो इसे हम लोग बोलते क्या है नई दवा को, एग्रीमाइसिन बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन को मिला दिए तो बना क्या, एग्रीमाइसिन। और ये एग्रीमाइसिन जो है हमारा ये क्या करेगा, रेसिस्टेंट स्ट्रेन इन बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए भैया ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। कि भैया बैक्टीरिया क्या होता है, कई बार दवा के प्रति रेसिस्टेंट हो जाते हैं, तो उसको तोड़ देता है ये, तो भैया ये क्या होगा, आसानी से बैक्टीरिया को डेथ करवा देगा। ऐसे ही हमारा ट्राइएजोल्स, ट्राइएजोल्स जो हमारा है दिस इज मोस्ट एक्टिव ऑन पाउडरी मिल्ड्यू। अभी हमारा क्या पाउडरी मिल्ड्यू के लिए है, रस्ट के लिए भी है, और लीफ स्पॉट जो फंजाई होता है उसके लिए भी है। दिस इज इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, ये हमारा क्या काम करता है, एसबीआई के रूप में काम करता है। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला नहीं, स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। क्या काम करेगा, स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर का काम करेगा कौन, ट्राइएजोल्स। ये हमारा क्या करेगा, पाउडरी मिल्ड्यू रस्ट और लीफ स्पॉट को मारने का काम करेगा, ठीक है। यहां पर जो है कुछ सारे पढ़ा चुके हैं आपको, रिपीटली आपको मिलेंगे क्या है, जैसे इसमें बॉर्डेक्स मिक्सचर में क्या पाया जाता है आपको बता दिए थे हम, क्या होता है CuSO4 होता है, लाइम होता है, वाटर होता है। बॉर्डेक्स मिक्सचर के बाद बर्गंडी में आपको बता देते हैं क्या है, लाइम रिप्लेस विद Na2CO3, चूने की जगह पर क्या आ जाएगा, Na2CO3 आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग यूज कर देंगे इसमें, ठीक है, यानी CuSO4 प्लस Na2CO3 और वाटर का मिलान कर देंगे, तो भैया हमारा क्या बन जाएगा, बर्गंडी। बॉर्डेक्स मिक्सचर पीएमएम इलाडेट ने बनाया था, बर्गंडी मिक्सचर 2 साल बाद बना था उसी के 85 में और हमारा 87 में, और Na2CO3 चूने की जगह हमने यूज कर दिया था। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में हमारा ट्रेड नेम किस नाम से मिलेगा, ब्लिटॉक्स या फाइटोप्लान, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कॉपर के नाम से भैया दुकान पे मिल जाएगा हमको, और एथिल मर्क्यूरिक क्लोराइड हमारा सेरेसॉन के नाम से मिलता है, ठीक है। मेथॉक्सी एथिल मर्क्यूरिक क्लोराइड हमारा किस नाम से मिलता है, एरेटॉन या एग्लॉल के नाम से मिलता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग गन्ने में जो गन्ने के सीड्स होते हैं इनका सीड ट्रीटमेंट करने के लिए इसी का यूज करते हैं, एग्लॉल या एरेटॉन का यूज करते हैं। फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट यानी PMA जो हमारा है, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट और इसमें एथिल मर्क्यूरिक क्लोराइड हम लोग मिला देते हैं, तो भैया एग्रो जो हमारा एग्रोशाम बन जाता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें इसकी बेंजीमिडाज़ोल की, तो इसमें भैया दो दवाइयां हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी भैया, पहला तो हमारा ये कार्बेंडाजिन, कार्बेंडाजिन हमारा किस नाम से मिलता है, बाविस्टीन के नाम से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट दवा है याद रखना, कार्बेंडाजिन जो उसका केमिकल नेम है और बाविस्टीन के नाम से वो आपको दुकान पे मिल जाएगा, यानी ट्रेड नेम कार्बेंडाजिम का क्या है, बाविस्टीन है, बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। किस ग्रुप में हम लोग रखते हैं, बेंजीमिडाज़ोल्स, ठीक है, किस में रखते हैं, बेंजीमिडाज़ोल्स में रखते हैं हम लोग इसको, कार्बेंडाजिम, जिम से याद हो जाएगा जिमिडाज़ोल्स, ठीक है, याद रखना बाविस्टीन हमारा क्या है, कार्बेंडाजिम ही है, ठीक है। इसके अलावा डाइथायोकार्बामेट, थायो आ गया मतलब इसमें क्या है, सल्फर है, मैंने भैया ये हमारा क्या, डाइथेन एम 22
डाइथेनम 22 या डाइथेनम 45 हमारे जो है मैनेप को बोलते हैं डाइथेनम 22, वहीं मैनकोजेब को बोलते हैं हमारी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट दवा मैनकोजेब। मैनकोजेब को क्या बोलते हैं हम लोग दुकान पे, डाइथेनम 45, बहुत बढ़िया दवाई है हमारी डाइथेनम 45 फंजीसाइड, ठीक है, या इंडोफिल नाम से भी मिलती है मैनकोजेब, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। जीनेप को हम लोग डाइथेन जेड 78 बोलते हैं, ये भी अच्छी है, लेकिन डाइथेनम 45 हमारी बेस्ट है, ठीक है। कुछ अदर फंजीसाइड की बात कर लें, थीरामेरासोन के नाम से बिकती है, इंपॉर्टेंट ही हम लोग बात करते हैं। ऑक्सीकार्बोक्सिन हमारी प्लांट वैक्स के नाम से बिकती है, कार्बोक्सिन हमारी विटावैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिन किस नाम से बिकती है, विटावैक्स से। ये सारे आपको एक पेज पर लिख कर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मीथम एंड सोडियम हमारा वेपन के नाम से बिकता है, नेमेटिसाइड का भी काम करता है, और ऐसे ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हमारा किस नाम से बिकता है, बैक्टेरियोमाइसिन के नाम से बिकता है, स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर हमारा ट्राइजोल्स के नाम से बिकता है, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे हमारे क्या फंजीसाइड। जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल, कंट्रोल के जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन, हम लोग खूब पढ़े हैं क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव, मतलब बचाव जो है क्या है, बेहतर है किससे, बाद में दवा करने से, यानी अगर रोग लगने से पहले ही अगर हम बचाव कर लें तो हमारा क्या होगा, जो हमारा दवाई पे खर्चा होना होगा वो सारा बच जाएगा, ठीक है, दवाई पे जो खर्चा होना वो सारा बच जाएगा, ठीक है। तो पूरी हमारी बचाव होगा कैसे, कैसे कैसे बचाव करना है, पहला तो करेंगे क्या, एवॉइडेंस ऑफ पैथोजन, पहला तो भैया क्या करें, ऐसा प्रयास करें कि पैथोजन हमारी फसल तक पहुंच ही ना पाए, एवॉइड कर दें। सिलेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया चुने जहां पर भैया जो फसल लगा रहे हैं उसके ज्यादा रोग ना फैलते हो। सिलेक्शन ऑफ फील्ड ऐसा करें जहां पर भैया जो मतलब अन मतलब जैसे हर फंजाई या हर बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक वातावरण चाहिए होगा, उसके लिए उतना वातावरण अच्छा ना हो ऐसा फील्ड हम लोग चुनाव कर लें। चॉइस ऑफ टाइम ऑफ सोइंग, देखो ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, क्यों क्यों, क्योंकि बहुत सारे रोग ऐसे हैं जैसे गेहूं हम लोग बुआई कब करते हैं, हम लोग बुआई करते हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, लेकिन लेट सोइंग भी होती है इसकी, बहुत लेट सोइंग तक अभी तक बोया जा रहा है, 15 दिसंबर तक बोया जाएगा, ठीक है, 20 दिसंबर तक बोया जाएगा, लेट वैरायटी जो आती है उनको हम लोग, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अर्ली सोइंग कर लें तो उसमें कुछ ऐसे रोग होंगे जो अर्ली लगते हैं, यानी अक्टूबर नवंबर में उनका प्रकोप ज्यादा होता है, तो अगर 15 नवंबर के बाद हम फसल को बोते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग उससे बच जाएंगे। या कुछ ऐसे रोग हैं जो भैया क्या होगा, नर्सरी में ही लगते हैं और लेकिन लगते कब है, दिसंबर में, तो लेट सोइंग वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हम लोग अपने एरिया में देख लेते हैं कि कौन सा भैया यहाँ पर रोग या पैथोजन हमारा जो है ज्यादा नुकसानदायक है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ सोइंग को डिसाइड कर लेंगे। डिजीज स्केपिंग वेराइटीज, कुछ ऐसी फसलें उगाएंगे, कुछ ऐसी वेराइटी उगाएंगे, ये भी सबसे बेस्ट तरीका है अपना। हम लोग क्या करेंगे, वेराइटी जो हमारी ऐसी चूज करेंगे जिसमें रोग ना लगता हो, जैसे हम लोग उगा दे अरहर की, मान लो हम लोग खेती कर रहे हैं, हम लोग उगा दिए क्या नरेंद्र अरहर दो में क्या नहीं लगेगा, उकठा इसमें लगेगा ही नहीं। अब नरेंद्र को अरहर टू हमने उगा दिया, उकठा से हमारी छुट्टी पहले ही मिल गई, उकठा नहीं लगना, दवा से कोई बात ही नहीं भैया। सिलेक्शन ऑफ सीड, ऐसा भैया क्या प्रमाणित बीज यूज करेंगे जिसमें भैया रोग लगने के चांस कम हो। दूसरी बात, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीड का सिलेक्शन तो अच्छा कर ही लिए, साथ में हम लोग क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट सबसे जरूरी हमारा यही काम है अगर, और यही काम अगर किसान करने लग जाए तो भैया आधी ज्यादा समस्याओं का उसका क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। कैसे, देखो हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक टेक्निक पढ़ते हैं हम लोग क्या, FIR, ठीक है, अगर FIR हम लोग कर लें, FIR मतलब पुलिस वाली नहीं, क्या, पहला तो फंजीसाइड, दूसरा इंसेक्टीसाइड, तीसरा राइजोबियम, ठीक है, तीन हमारे हैं। फंजीसाइड का यूज हम लोग कब करेंगे, जैसे हम लोग यूज कर लें, अगर सिर्फ हम लोग केमिकल की बात ना करें, बायोकेमिकल्स की बात कर लें, ठीक है, जो हमारे मतलब नुकसानदायक नहीं होंगे, बैक्टीरिया वगैरह का जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग फंजीसाइड के तौर पर हम लोग बात कर लें तो ट्राइकोडर्मा, क्या यूज कर लेंगे, ट्राइकोडर्मा। इंसेक्टीसाइड के रूप में हम लोग यूज कर लेंगे किसको, बिवेरिया वैशियाना को, ठीक है। इसके अलावा राइजोबियम हम लोग दालों के लिए, और अगर दलहनी नहीं है तो इसके अलावा एजोटोबैक्टर, ये सारे यूज कर ले, एजोटोबैक्टर, एजोला, ये हमारे क्या बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, ठीक है। इन तीनों का अगर हम यूज करें तो भैया देखो क्या हो जाएगा, सीड ट्रीटमेंट में हम लोग अगर ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया वैशियाना यूज कर लें, ट्राइकोडर्मा हम लोग यूज कर लें तो मोस्टली जो रोग लगता है वो क्या होता है, फंजाई से लगते हैं, फंजीसाइड से हमारा पहले ही छुट्टी हो गई, ठीक है। कोई भी बीज हम बोने जा रहे हैं तो हम क्या करें, उसको पहले ट्राइकोडर्मा से क्या करें, उसका बीज शोधन कर लें। इसकी एक टेक्निक है,
वो कभी फुर्सत में आपको ट्राइकोडर्मा ब्यूवेरिया बैसियाना का यूज बताएंगे, उसमें मतलब कैसे गुड़ बेसन आधा किलो बेसन एक किलो गुड़ इन सब का घोल बनाकर जो है और फिर मतलब घोल तैयार किया जाता है, उसके बाद सीट पर डालो आराम से हल्के हाथों से मलो छांव में सुखाओ, उसके बाद भैया हमारा थोड़ी देर एक डेढ़ घंटे बाद हम लोग ब्यूवेरिया बैसियाना यूज कर देंगे ऐसे ही सेम टेक्निक से। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, गेहूं के ऊपर एक परत मतलब जिस सीट के ऊपर एक परत चढ़ जाएगी, उस परत के बाद हम जब सीट को बोएंगे तो उसमें ना भैया कभी क्या करेगा फंजाई वाला रोग लग पाएगा ना कोई इंसेक्ट उसको नुकसान पहुंचा पाएगा। ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका है क्या बचाव का। ठीक है, क्या सीड ट्रीटमेंट करना। इसके अलावा सॉइल ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट में हम लोग वर्मी कंपोस्ट का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा इनका भी ब्यूवेरिया बैसियाना और ट्राइकोडर्मा इनका यूज सॉइल में भी हम लोग कर सकते हैं, सीधे सीधे गोबर की खाद में मिलाकर क्या करते हैं यूज करते हैं हम लोग ब्यूवेरिया बैसियाना और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है बहुत बेस्ट उपचार है हमारे जो प्रिवेंशन का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग बात करें, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड कर लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चर प्रैक्टिसेस, ऐसा हम कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसे ही करेंगे, जुताई हुआ ऐसे ही करेंगे कि उनसे जो है रोग और कीड़े ना लग पाए। एक्सक्लूजन की बात करें तो मेथड व्हिच प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम एंटायरिंग इनटू अ न्यू एरिया, क्वारंटीन इंसेप्शन एंड भैया क्वारंटीन, अब कोरोना के बाद क्वारंटीन अगर हमें पढ़ाना पड़ रहा तो बेकार है। ऐसे रोग जो फैलने वाले हैं उनको क्या करेंगे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव होने नहीं देंगे, जहां पर है वहीं पर बंद हो जाए, उससे आगे बढ़े ही ना, तो हमारे क्या हो जाएगा प्रिवेंशन हो जाएगा, क्वारंटीन कर दिए, एक्सक्लूजन हो गया बाहरी में। इरेडिकेशन क्या होगा, दिस मीजर्स इज टेकन फॉर द इलिमिनेशन ऑफ पैथोजन आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द होस्ट। अब इरेडिकेशन क्या है, मान लो फसल हमारी खड़ी है, ये हमारी फसल खड़ी है, इस प्लांट में एक रोग लग गया, हमें पता है कि ये फैलेगा इस पे इससे इससे इस पे, हम क्या किए जब इस पे लगा इसको हम देखे इसको उखाड़े उखाड़े जमीन के अंदर इसको दफना दिए जाके, इरेडिकेशन हो गया, उन्मूलन हो गया, उखाड़ के जमीन में दफना दिए जाके, ये हमारा क्या करेगा बच गया भैया अगली फसल पे नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। इट इंक्लूड द क्रॉप रोटेशन भी हम लोग कर सकते हैं, सैनिटेशन कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अल्टरनेशन एंड ओवर विंटरिंग हॉस्ट कर सकते हैं, या एलिमिनेटिंग ऑफ पैथोजन कर सकते हैं, सीड ट्यूबर्स बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, सारे क्या है प्रिवेंशन के तरीके यानी बचाव के तरीके हैं। अब प्रोटेक्टिव क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फंजीसाइड भी हम लोग सीधे यूज करते हैं, रोग लग गया केमिकल फंजीसाइड यूज कर दिए। सीड ट्रीटमेंट आपको बता चुके हैं, इसमें जो टेक्निक नहीं बताए थे हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम लोग यूज कर लें। हॉट वाटर ट्रीटमेंट खोजा किसने था, बहुत इंपॉर्टेंट, किसने खोजा था, जेनसन ने खोजा था हॉट वाटर ट्रीटमेंट, कब खोजा था 1887 में। ऐसे सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट लुथराव सत्तार ने खोजा था। ठीक है, हॉट वाटर, हॉट वाटर का मतलब क्या है भैया, 54 डिग्री सेल्सियस, देखो 54 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया 10 मिनट तक पानी को किया गर्म। ठीक है, हल्का सा पानी जब धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो हम क्या किए उसमें डाल दिए सीड को, और सीड को डाल के निकाल दिए, उससे क्या होगा जो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज था, जैसे लूज स्मट ऑफ वीट है, ठीक है, ये क्या था सीड के अंदर ही इसके जो है स्पोर्स बने रहते हैं। अब उससे क्या होगा, जब सीड के अंदर भैया वो गर्म पानी पहुंचा स्पोर गए मर, तो भैया सीड हमारा क्या हो गया ट्रीटमेंट हो गया। खोजा किसने इस टेक्निक को था, जेनसन ने 1887 में 54 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स हमने पानी को गर्म किया, उसके अंदर सीड डाला और सीड को निकाल दिया। ठीक है, ये हमारी एक टेक्निक हो गई। इसके बाद दूसरा हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं टू कंट्रोल लूज स्मट ऑफ वीट। दूसरी टेक्निक क्या यूज कर सकते हैं, लुथराव सत्तार ने 1934 में डेवलप की, बाद में डेवलप की है। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड सीड आर सोक्ड इन वाटर फॉर 4 to 5 आवर्स। हम क्या करते हैं 4-5 घंटे तक पानी में भिगो के रखते हैं सीड को। ठीक है, एंड ड्राइड इन सन, और उसके बाद क्या करते हैं पानी में भिगो के रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं फैला देते हैं इसको जो है धूप में, और सूखने देते हैं सूर्य की रोशनी में, मई जून की गर्मी में इसको रख देते हैं हम। ठीक है, किस पे बिछाएंगे, सीमेंटेड फ्लोर पे या मेटल सीट पे हम लोग इसको बिछा देंगे, मतलब फर्श पे छत पे जाके फैला दो आराम से, 4-5 घंटे पानी भिगो के रखो, उसके बाद छत पे जाके फैला दो मई जून की गर्मी में, तो भैया ये क्या हो जाएगा आराम से इसके अंदर जितने भी हमारे लूज स्मट के क्या स्पोर्स होंगे वो सारे मर जाएंगे। दिस मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल लूज स्मट ऑफ वीट एंड बार्ले। ठीक है, बार्ले और लूज में, लूज स्मट ऑफ वीट में यूज कर लेते हैं हम लोग। ये भैया दूसरी यूनिट आज की हमारी खत्म हुई, तीसरी यूनिट भी देख ही लेते हैं, बहुत लंबा ना खींचते हुए एक यूनिट और आज करवा देते हैं। ठीक है, अभी टाइम तो हुआ नहीं, आधा घंटा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा सबर रखेंगे। देखो पेशेंस बहुत जरूरी है, क्लास आप जब कर रहे हैं पेशेंस रखिए, जब पैसे देते हैं आप क्लास का तो डेढ़ घंटे जब क्लास चलती है तो डेढ़ घंटे बैठ के देखते हैं ना, फ्री में बैठ के देखने में क्या दिक्कत है, बैठ के देखिए कंप्लीट करिए कोर्स को, नॉलेज आपका इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि अभी तो ये हमारा क्या है जनरल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, जब
डेप्थ में जाएगा ना, तो इसके बाद एग्रीकल्चर के किसी एग्जाम में आप बैठ जाएंगे, किसी एग्जाम में बैठ जाएंगे, एग्जाम आपका रह नहीं जाएगा। ठीक है, एक लेवल तक खुद भी हमको जाना है, आप लोग को भी ले जाना है, हमको भी सीखना है और आपको भी सिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी नॉर्मल नॉर्मल चलने देते हैं, तो बेसिक्स बन जाए सब लोग का, उसके बाद हम लोग जब एक लेवल पे आ जाएंगे ना, उसके बाद लेवल अपना इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, तो अभी साथ में जुड़े रहिए आप लोग बस, और ज्यादा दोस्तों को जोड़ते रहिए, कि जब हमारा मोटिवेशन आप ही लोग से है, जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तभी अपना मोटिवेशन है भैया, तभी हम जो है जॉब करने के बाद, अपनी तैयारी करने के बाद आपके लिए टाइम तभी निकाल पाएंगे जब आपकी तरफ से हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप लोग भी चालू रखिए इस चीज को। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरियल डिजीज में अगर हम लोग बात करें भैया, तो फाइलम प्रोटोबैक्टीरिया जो हमारा है, प्रोटियोबैक्टीरिया इज द बिगेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा जो फाइलम है बैक्टीरिया का कौन सा है, प्रोटोबैक्टीरियम। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बताया था क्रिश्चियन ग्राम ने खोजा था, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव, तो क्रिश्चियन ग्राम ने भैया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया किसमें रखे, प्रोटोबैक्टीरिया में। इसमें एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, ठीक है, और स्यूडोमोनास, इरविनिया, सेरेटिया, ये सारे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन नेम और उसके डिजीज के कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल बैक्टीरिया के नाम की बात कर ले अगर, तो सिट्रस कैंकर हमारा कैसे होता है, ज़ेंथोमोनास कंपेस्टिस सिट्राई से होता है। यहाँ पर जो है मुझे नहीं पता ये क्यों गलत लिख गया है, क्या है, ज़ेंथोमोनास कंपेस्टिस सिट्राई, ये हमारा जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, शायद आपकी वाली किताब में अपडेट हो, पुराना वर्जन है ये। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर ज़ेंथोमोनास कंप्रेस्टिस होता है भैया हमारा, ज़ेंथोमोनास कंप्रेस्टिस, कंप्रेस्टिस दो बार है, मतलब ज़ेंथोमोनास कंप्रेस्टिस का नाम है, पैथोजेनिक वैरायटी भी इसकी क्या है, कंप्रेस्टिस है। ऐसे इसमें ज़ेंथोमोनास कंप्रेस्टिस है लेकिन साथ में पैथोजेनिक वैरायटी क्या है, सिट्राई है। ठीक है, ज़ेंथोमोनास कंप्रेस्टिस सिट्राई इसलिए हो जाएगा। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर क्या है, ज़ेंथोमोनास कंप्रेस्टिस, कंप्रेस्टिस है। बैक्टीरियल लीफ ऑफ राइस हमारा क्या है, ज़ेंथोमोनास ओराइजी, ओराइजी है। ठीक है, इसके अलावा एंगुलर लीफ स्पॉट हमारा क्या है, ज़ेंथोमोनास माल्वेसेरम या ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। एंगुलर लीफ स्पॉट या इसी रोग को बोलते हैं क्या, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, काली भुजा किसकी, कॉटन की यानी कपास की, ब्लैक आर्म किसके कारण होता है, माल्वेसेरम। कॉटन किस फैमिली का है, इससे याद करना होता है, कॉटन किस फैमिली का है, माल्वेसी, इसलिए ज़ेंथोमोनास माल्वेसियरम। ठीक है, क्या है हमारा, ज़ेंथोमोनास माल्वेसियरम किसका है, कॉटन का है, ये कॉटन की फैमिली का है, माल्वेसियम। ठीक है, आगे हम लोग बात करें ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस किससे होता है भैया, ये हमारा होता है कैंडिडेटस लिब्रेबैक्टर, किससे होता है, कैंडिडेटस लिब्रेबैक्टर, क्या है, कैंडिडेटस लिब्रेबैक्टर। कैंडी खाए हो, ग्रीन ग्रीन सिट्रस वाली कैंड्री जो होती है, बस इससे याद रखो, याद माइंड में एज्यूम करोगे आप तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ग्रीन डिजीज है किसका है, सिट्रस का है। सोच लो खट्टी खट्टी टॉफी आ रही किसकी, ग्रीन डिजीज मतलब ग्रीन 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 टॉफी है, वो भी सिट्रस की यानी खट्टी है। ठीक है, तो वो कैसी होगी, कैंडी बोलते हैं ना टॉफी को, तो कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टर, बैक्टीरिया से हो रहा है इसलिए बैक्टर, कैंडिडेटस लिब्रोबैक्टर। ठीक है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इरविनिया एमाइलोरा पढ़ा चुके हैं सारी चीजें। स्कैब बताए थे आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्कैबीज एप्पल में लगता है, पोटैटो में लगता है, स्कैब ऑफ पोटैटो जो हमारा क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज है। ठीक है, स्कैबीज स्कैब से आगे आपको समझ में आ जाना चाहिए। रेड स्ट्रिप ऑफ सुगर केन सबसे इंपॉर्टेंट है, लाल धारी जो बन जाती है वो क्या है, स्यूडोस्टम रबरिनियस। देखो ये वाला जो है काफी कंफ्यूज करेगा, क्यों, सॉरी ये वाला नहीं, स्यूडोस्टम रबरिनियस तो ठीक है, रटून स्टंटिंग डिजीज, क्योंकि ये जो हमारा है क्लेविबैक्टर ज़ाइली भी लोग बोलते हैं। इसके अलावा इसका जो नया मतलब अभी कुछ नई नई खोजें हुई हैं, इसमें बोला जा रहा है कि ये वायरल डिजीज है, ये बैक्टीरिया से नहीं हो रहा, क्लेविबैक्टर से नहीं हो रहा है, वायरल डिजीज है। तो कई जगह आपको ये वायरल मिल जाएगा, रटून स्टंटिंग, रटून का मतलब समझ रहे हैं ना, पेड़ी, जो मतलब एक बार गन्ना लगा, गन्ने कटाई हमने कर ली, उसके बाद उसी से फिर नया गन्ना तैयार हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ना पेड़ी, दूसरी फसल जो तैयार होती है उसी से रटून बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये रटून स्टंटिंग यानी जो पेड़ी होगी वो कैसी रह जाएगी, स्टंट मतलब बौनी रह जाएगी, तो हिंदी में बोलेंगे पेड़ी बौनापन रोग। ठीक है, तो ये हमारा कुछ लोग बता रहे हैं कि बैक्टीरिया से होता, कुछ लोग बताते हैं वायरस से, तो यहाँ पर वायरस मतलब बैक्टीरिया दिया, तो आप याद रखिए क्या, क्लेविबैक्टर ज़ाइली से हमारा क्या होता है, रटून स्टंटिंग होता है। ठीक है, येलो वेना कुकरबिट्स, जो कुकरबिटेसी फैमिली के उनमें क्या हो, येलो वाइन पड़ जाती है। सेरेटा नेरेसेंस, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। कॉर्न स्टंट हमारा क्या है, स्पायरोप्लाज्मा कंकेली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपना नहीं है।
ठीक है, इतनी चीजें आपको इसमें कुछ 10-11 डिजीज दिए, ये आपको क्या करने हैं, एक कॉपी पर नोट करने हैं, याद करने हैं। इसके पहले भी हमने जो कई सारे डिजीज बताए हैं, बुक आपको लेकर बैठना है, जितने भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो आपको बैठ के रटने पड़ेंगे जरूर जरूर। हम ऐसा करेंगे आपके लिए टेस्ट भी एक ले आएंगे, जिससे आपको आसानी से ये सारे आपको पता चल जाए कि आप कितने याद कर पा रहे कितने नहीं। लेकिन पहले आपको रट लीजिए एक बार, कमेंट सेशन में हमको बता दीजिएगा, जब कम से कम 10-15 लोग हो जाएंगे ये बताने वाले कि हाँ हमको याद हो गए हैं, अब हम टेस्ट देने की हालत में हैं, तब हम टेस्ट करवाएंगे। आप लोग को टाइम देते हैं हम 7 दिन का, ठीक है, संडे को, सॉरी 7 दिन का नहीं हम टाइम देंगे, आज डे अपना जो है ठीक है, हम संडे वाला करवा देते हैं, ठीक है, संडे को इसका टेस्ट होगा, ठीक है। सिर्फ जो है डिजीज आपको याद करने हैं कितने, जो है कम से कम आपको ये वाले डिजीज सारे याद करने हैं, बैक्टीरिया वाले, और आपको क्या याद करना है, फंजाई वाले, ठीक है, याद करिए। संडे को इसका टेस्ट होगा, हम खुद बनाएंगे टेस्ट को, और आसानी से जितने आपको जो है इसमें मिल जाएंगे वो तो है ही है, मतलब कोशिश करेंगे सारे डिजीज इसी से हो, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है और सुंडा में नहीं दिए हैं उनको भी हम आपको लेके आएंगे, कम से कम आप याद करके रखिएगा उनको, ठीक है, तभी आपको मजा आएगा टेस्ट देने में, हमको भी मजा आएगा जब आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। माइकोप्लाज्मा डिजीज की बात कर ले, माइकोप्लाज्मा आपको बताए थे भैया क्या है, माइकोप्लाज्मा जो हमारा होता है सबसे छोटी सेल बताया था पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा, ही होती है प्लूरो प्न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा से हमारे कई सारे रोग होते हैं, फाइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं और इनमें वेक्टर क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्या हो जाता है, वेक्टर, वायरस और माइकोप्लाज्मा में वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर कौन फैला रहा है इस रोग को, माइकोप्लाज्मा खुद तो जा नहीं रहा तो कौन फैला रहा है, जैसे येलो ड्वार्फ डिजीज ऑफ राइस, ठीक है, पीला बौना रोग होता है किसमें, धान में, पीला बौना रोग किसमें, येलो ड्वार्फ डिजीज ऑफ राइस किसमें होगा, धान में। अब धान में एक कीड़ा लगता है, कौन लगता है, ग्रीन लीफ हॉपर, कौन लगता है, ग्रीन लीफ हॉपर, जिसे साइंटिफिक नेम होता है निपोटेटिक्स वेरिसेंस, ठीक है, निफोटेटिक्स वेरिसेंस से होता है। तो भैया अगर पूछा जाए येलो ड्वार्फ डिजीज जो धान में लग रहा है उसका वेक्टर कौन है, तो आप बताएंगे क्या, निफोटेटिक्स वेरिसेंस या ग्रीन लीफ हॉपर, जो भी ऑप्शन में आपके रहे, ठीक है। इसके अलावा येलो ड्वार्फ डिजीज ऑफ राइस के बाद थायलोडी, फाइलोडी रोग जो हमारा होता है किसमें लगता है, तिल में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइलोडी, इसमें सीधे सीधे कई बार यही पूछा गया भैया किससे हो रहा, माइकोप्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट रोग यही है फाइलोडी, कई बार पूछा गया फाइलोडी तिल में होता है ये पूछा गया, माइकोप्लाज्मा से होता है ये पूछा गया, लीफ हॉपर उतना पूछा नहीं गया है, लेकिन भैया जब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके अगल बगल की चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट पहले हो जाती है, तो आपको याद करना है फाइलोडी डिजीज तिल में लगता है पहली बात, माइकोप्लाज्मा से होता है दूसरी बात, और ओरिशियस एल्बिकिंटस जो है हमारा, जो है एल्बिसिनिटस जो हमारा इसका है, लीफ हॉपर का नेम है जो ये फैलाता है, जो इसका वेक्टर है। पहली बात फाइलोडी किसमें लगता है, तिल में होता है किससे, माइकोप्लाज्मा से, कौन ट्रांसफर करता है इसको, वेक्टर कौन है, लीफ हॉपर, साइंटिफिक नेम क्या है, ओरोसियस एल्बिसिनिटस, ठीक है। इसके बाद लिटिल लीफ अप्रिंजल, ये हमारा कौन है, लीफ हॉपर, ये भी है माइकोप्लाज्मा से होता है, लिटिल लीफ अप्रिंजल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रासी सूट ऑफ सुगर केन एफिड फैलाता है, पर्पल टॉप रोल पोटैटो का लीफ हॉपर फैलाता है, सैंडल स्पाइक डिजीज कार्डमम में होता है, ठीक है, इलायची में होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सिंडिकस, इसको भी लीफ हॉपर फैलाता है, तो ज्यादातर माइकोप्लाज्मा वाले में आपने क्या देखा, लीफ हॉपर, दो में आपने लीफ हॉपर नहीं, एक में आपने लीफ हॉपर नहीं देखा, ग्रासी सूट ऑफ सुगर केन में। देखो जितने इसमें दिए हैं माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग, पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए कि कितने माइकोप्लाज्मा से होते हैं, एक लिस्ट बनाना है आपको। दूसरी बात क्या याद करना है, सारे हो रहे हैं लीफ हॉपर से, नाम अलग अलग हर जगह का है लेकिन लीफ हॉपर याद रख लीजिए आप, ठीक है। धान में जो हो रहा है वो लीफ हॉपर है, लेकिन कैसा वाला लीफ हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ब्राउन प्लांट हॉपर आएगा, ग्रीन लीफ हॉपर आएगा, इसी टाइप के आ जाएंगे तो कंफ्यूजन। तो ग्रीन लीफ हॉपर किसमें है, धान वाले में, बाकी सब में लीफ हॉपर है, एक में जो हमारा गन्ना है ग्रासी सूट वाला, उसमें एफिड है, ठीक है। इतने हो गए माइकोप्लाज्मा के, आगे हम लोग बात कर ले वायरल डिजीज, वायरल डिजीज में भी वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वायरस में आपको बता चुके हैं, वायरसेस आर एलिमेंट्री पार्टिकल दैट पासेस सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग सिस्टम सच एज हैविंग अ जीनोम, बीइंग एबल टू अडॉप्ट एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। भैया देखो वायरस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको बताती हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ चीजें ऐसी उसके अंदर है जो बताती है कि नॉन लिविंग है, ठीक है। जो लिविंग होने के लिए सारी चीजें चाहिए वो सारी उसके अंदर नहीं है, लेकिन उसकी कुछ चीजें उसके अंदर अवेलेबल है, इसलिए हमको बोलते हैं क्या, वायरस को बोलते हैं जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी, ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी बोला जाता है किसको, वायरस को, ठीक है। तो भैया इसमें क्या, जैसे लिविंग के क्या इसमें ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें जीनोम पाया जाता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्टर चेंज करता रहता है, ठीक है। अभी रोग फैल रहा है कौन सा, कोरोना वायरल डिजीज है, सबको पता है।
कोरोना वायरस क्या कर रहा है, अपने आप को देख रहे हो ना कैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से फटाफट चेंज कर ले रहा है, कभी ओमिक्रॉन आ जा रहा है, कभी मम्मी क्रॉन आ जा रहा है, नए नए आते जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा सब है ना, तो ये क्या है एनवायरनमेंट के हिसाब से उसकी चेंजिंग्स हैं। तो इसका मतलब वायरस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बात कर ले अगर व्हीट की, तो व्हीट में भैया हमारा क्या लगता है, स्ट्रीक मोज़ेक वायरस। स्ट्रीक मोज़ेक वायरस होता है, फैलाता कौन है, इरियोफाइट माइट, इसको जो है वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यूपी कैडेट का एग्जाम दिए हैं, दो बार कम से कम ये क्वेश्चन आया है रिपीटेडली। ठीक है, इरियोफाइट माइट फैलाता है क्या, व्हीट स्ट्रीक मोज़ेक वायरस। ठीक है, एकेरिया टुलिपी साइंटिफिक नेम नहीं आया था, लेकिन इरियोफाइट माइट आया था व्हीट स्ट्रीक मोज़ेक का। ठीक है, मेज में मोज़ेक जो लगता है इसको सोरघम बग फैलाता है, राइस में टुंगरू, बहुत इंपॉर्टेंट, टुंगरू डिजीज ऑफ राइस कौन फैलाता है भैया, ग्रीन लीफ ऑपर यानी निपोडेटिक्स वेरिसेंस, यही भैया टुंगरू जो यही ग्रीन लीफ ऑपर है यही क्या फैला रहा है, टुंगरू भी फैला रहा है, और यही ग्रीन लीफ ऑपर है जो क्या फैला रहा है भैया, येलो डवार्फ डिजीज भी फैला रहा है। ठीक है, धान वाले क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, एक तो ग्रीन लीफ ऑपर एक ब्राउन प्लांट ऑपर। ठीक है, जो नीला वाला है ब्राउन मतलब सॉरी भूरा वाला है ब्राउन प्लांट ऑपर है वो भैया क्या नीला लीफ उसके है वो ब्राउन है वो BPH मतलब ब्राउन प्लांट ऑपर, लेकिन भैया उसकी साइंटिफिक नेम में क्या है ब्राउन की जगह क्या है नीला है, नीला पर्वता ल्यूगेट्स। ठीक है, तो भैया ब्राउन प्लांट ऑपर जो होता है ये क्या करता है भैया, ये फैला देता है क्या ग्रासी स्टंट, क्या फैलाता है ये ग्रासी स्टंट। वही ग्रीन लीफ ऑपर क्या फैलाता है हरा वाला टुंगरू फैला देता है, दोनों धान में लगते हैं, बहुत कंफ्यूजन करते हैं, बहुत बार इसलिए पूछा जाता है, टुंगरू ग्रीन लीफ ऑपर, ग्रासी सूट ब्राउन प्लांट ऑपर, याद कर लो भैया। ठीक है, इसके अलावा रोसेट वायरस ग्राउंडनट में लगता है, फिट फैलाता है ग्राउंडनट में, बट निक्रोसिस थ्रिप्स फैलाता है पिजन बी में, स्टेरिलिटी मोज़ेक इरियोफाइट माइट ये भी पूछा गया है। इरियोफाइट माइट क्या कर रहे हैं, दो काम अब इनके हो गए एकेरिया कैजनी के, क्या हो गए एकेरिया वाले जो इरियोफाइट माइट है वो क्या करते हैं पिजन बी में स्टेरिलिटी मोज़ेक फैलाते हैं, स्ट्रीक मोज़ेक गेहूं में फैलाते हैं, स्टेरिलिटी मोज़ेक पिजन बी में, स्ट्रीक मोज़ेक गेहूं में, कौन इरियोफाइट माइट। आगे बात कर ले भिंडी में येलो वेन मोज़ेक सबसे इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज है, भिंडी में येलो वेन मोज़ेक कौन फैलाता है व्हाइट फ्लाई, साइंटिफिक नेम बेमेसिया टैबेकी, पूरा 100% एकदम रट के रखिए कई बार पूछा गया है, भिंडी में येलो वेन मोज़ेक कौन फैलाता है व्हाइट फ्लाई भैया बेमेसिया टैबेकी, टोमेटो में लीफ कर्ल कौन बेमेसिया टैबेकी, चीली में लीफ कर्ल भैया कौन थ्रिप्स है। ठीक है, थ्रिप्स फैलाता है, चीली में मोज़ेक व्हाइट फ्लाई बेमेसिया टैबेकी, पोटैटो में पोटैटो लीफ कर्ल कौन माइजस परसेसी एफिड भैया फैलाता है। ठीक है, माइजस परसेसी कौन पोटैटो में लीफ कर्ल फैलाता है, बनाना बंचीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बंचीटा BBTB वायरस से फैलता है, बनाना बंचीटा वायरस से फैलाता है एफिड, साइंटिफिक नेम कई बार पूछा गया है कौन है पेंटालोनिया नाइग्रोनरोशा, क्या नाम है पेंटालोनिया नाइग्रोनरोशा। ठीक है, सिट्रस में ट्रिस्टेजा ये भी कई बार पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया ट्रिस्टेजा जो है किसमें होने वाला रोग है, तो सिट्रस में होने वाला रोग है टॉक्सोप्टेरा ऑरेंटा, इसका जो है क्या है एफिड का नाम है जो फैलाता है इसको, पपाया मोज़ेक ये भी एफिड द्वारा, कार्डमम में फुर्की डिजीज, काटी या फुर्की डिजीज हमारा किससे किसमें होता है इलायची में होता है, ये भी कौन फैलाता है पेंटालोनिया नाइग्रोनरोशा, कॉटन में लीफ कर्ल कौन फैलाता है व्हाइट फ्लाई यानी बेमेसिया टैबिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काउपी में मोज़ेक एफिड फैलाता है, मैंगो माल फॉर्मेशन बहुत बार पूछा गया है, मैंगो माल फॉर्मेशन कौन इसको ट्रांसमिट करता है, बड माइट एकेरिया मैंगीफेरी इसको ट्रांसमिट करता है, जो बड माइट है किसमें मैंगो में लगने वाली। अब हम लोग कुछ क्रॉप की डिजीजेस की बात करेंगे, हालांकि जो अब हम पढ़ेंगे वो हम पिछली दो क्लासेस में सारा पढ़ चुके हैं, हाँ थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो अब ये वाली क्लास जो यूनिट 4 की है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग रखते हैं, कि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते हैं, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 4-5 लोग बचते हैं। ठीक है, ऐसा करिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जब भैया पेपर आता है तब यहाँ पर व्यू जो अपने होते हैं 5,000-6,000 पहुँचने लगते हैं, और जैसे पेपर की कोई नोटिफिकेशन नहीं होती है सब फिर अपने बंद बस्ते में चले जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग पहले से एक्टिव रहेंगे, पेपर आएगा आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, जो पेपर के टाइम पर एक्टिव होते हैं उनके लिए समस्या हो जाती है, क्योंकि एक दो महीने में आपका कुछ हो नहीं पाना है, साल भर आप जब लगे रहेंगे प्रॉफिट तभी मिलता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नोटिफिकेशन आएगा परेशान मत हो, अभी नहीं आएगा 4-6 महीने बाद मतलब
चुनाव के बाद आएगा, आप परेशान मत हो, एग्जाम होना है, वैकेंसी आपकी 2000 से 2500 तक आपकी क्लियर है, टीए वाली आनी आनी है। और इस बार अगर सिलेबस चेंज हुआ तो 100% मान के चलिए एग्रीकल्चर का पोर्शन पढ़ेगा। ये सिलेबस चेंज करने का रीजन सिर्फ यही होगा कि एग्रीकल्चर का हमको क्या करना है, पोर्शन बढ़ाना है। नहीं चेंज हुआ तब भी 50 क्वेश्चन जो जीएस के आते हैं उसमें मैक्सिमम 35 से 40 क्वेश्चन हमारे क्या एग्रीकल्चर के ही रहते हैं, वही आपका जो है क्या करवाएंगे, सिलेक्शन करवा देंगे, ठीक है। कि बाकी सब में आप सबके साथ में रेगुलर रहेंगे, लेकिन ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेज हो जाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पढ़ते रहे, कोई भी एग्जाम आएगा, केएन सुपरवाइजर, बाकी सारे बहुत सारे एग्जाम है, एग्रीकल्चर आप पढ़ेंगे तो आपका भला होना निश्चित है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।